Hey guys, Mr. Noman Aleem is here और आज मैं आपको बताऊंगा कि दीवानगी ड्रामे में आगे से आपको क्या दिखाया जाएगा। आज मैं एक दफ़ा फिर से सारी स्टोरी को करूंगा एक्सप्लेन, क्योंकि टीज़र को देखने के बाद कुछ नई सिचुएशन मुझे समझ में आई है, जिसके बाद ड्रामे की स्टोरी एक्सपेक्टेडली थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है जो मैंने पहले बताई। तो भैया क्या होने वाला है इस ड्रामे के अंदर, आगे से आपको क्या दिखाया जाएगा, आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट स्टोरी एक दफ़ा दोबारा से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि घरों में रहें, अपने आप को रखें सेफ। बाहर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और मैंने 2-3 हफ्ते मुसलसल रिव्यूज़ नहीं किए ये सोच के कि चलो अब सिचुएशन ठीक हो जाएगी या हालात थोड़े से बेहतरी की तरफ आते हैं तो मैं रिव्यूज़ को कंटिन्यू करता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी टाइम ले जाएगा सब कुछ रिजॉल्व होने में, तो यहाँ पर हम अपने रिव्यूज़ को करेंगे कंटिन्यू। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही कमाल की गुड न्यूज है, हम एक बहुत ही सुपर डुपर ड्रामे के ऊपर रिव्यू स्टार्ट करने वाले हैं। नया ड्रामा है, जल्दी से गेस कर लो। अगर गेस नहीं हो पा रहा तो जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहां पर मैंने अपनी स्टोरी में बता दिया है कि कौन सा नया ड्रामा है जिसके ऊपर हम स्टार्ट से ही रिव्यूज करेंगे। और जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर लें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहां @nomanaleem, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चन के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। और खास तौर पर जिस नए ड्रामे के ऊपर हमने करने हैं रिव्यू उसके बारे में बता दिया भैया स्टोरी में, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। और जल्दी से कर दें वीडियो का लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बड़ी सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यार अभी से मैं आपको स्टोरी बताता हूं कि यहां से अब आगे आपको क्या कुछ दिखाया जाएगा। सबसे पहले तो भैया एग्जैक्टली जैसे आप गेस कर सकते हो कि नगीन को हारून के ऑफिस में जॉब मिल जाएगी, वहां पर ये लगेगी रिसेप्शनिस्ट या जो भी इसको डेजिग्नेशन मिलेगी। हारून ये बात नोट करेगा कि ये लड़की अपने काम से काम रखती है, यहाँ पर काफ़ी डेडिकेटेड लड़की है, और वो ये रियलाइज़ करेगा कि मुझे खुद भी इस तरह की लड़की चाहिए थी जिसको मैं कर सकूँ प्यार, यहाँ पर अपनी दुल्हन बना सकूँ। होता फिर क्या है कि वो ये बात शेयर करेगा अपनी सिस्टर के साथ और उसको बताएगा कि मुझे वो काफ़ी अच्छी लगती है, और उसकी सिस्टर उसको आगे से ये सजेस्ट करेगी कि तुम इसको प्रपोज क्यों नहीं कर देते। तो हारून आगे से कहेगा कि नहीं अभी टाइम नहीं है, वक्त आने पर ज़रूर उसको प्रपोज भी करूँगा, लेकिन पहले मैं उसके दिल में अपनी जगह बनाना चाहता हूँ। अब दिल में जगह बनाने के लिए क्या करते हैं लड़के, आपको पता ही है, यहाँ पर कभी उसको कहेगा कि मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ, कभी ऑब्वियसली उसको लंच की ऑफर कराएगा, इस तरह की ही काम कर सकते हैं ना। तो होगा ये कि अगली एपिसोड में आप देखोगे कि हारून नगीन को ये रिक्वेस्ट करेगा कि मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ, और वो पहले तो नहीं मानेगी आपको पता है अपनी आदत से मजबूर, लेकिन फिर जब बार बार उसको फोर्स किया जाएगा तो वो एग्री हो जाएगी। अब जब वो उसको घर ड्रॉप करने के लिए आ रहा होगा तो भैया रास्ते में इसकी गाड़ी हो जाएगी ख़राब। अब गाड़ी ख़राब है, पीछे से इसके घर वाले हैं परेशान। मुझे वैसे समझ नहीं इस बात की आती, अगर गाड़ी ख़राब हो भी गई थी तो क्या नगीन कोई और रिक्शा वगैरह लेके या कोई और दूसरी कन्वेंस लेके घर नहीं आ सकती थी, लेकिन नहीं वो वहाँ पर खड़ी है। लेट्स सपोज कि वहाँ पर वो खड़ी है पिछले आधे घंटे या एक घंटे से, तो इतनी देर के अंदर घर वाले इतने परेशान हो गए उसके कि उसकी वो जो फूफो है उसने उसकी सिस्टर को फ़ोन कर दिया और ये कह दिया कि नगीन अभी तक घर नहीं आई, और आगे से नगीन की सिस्टर का फोन आ जाएगा इसको और वो ये कहेगी कि तुम कहां पर हो। घर वाले काफी परेशान क्योंकि सेंस नहीं मानते ना ये बात, लेकिन ड्रामे में आपको कुछ भी दिखाया जा सकता है। खैर भैया यहां पर नगीन को पड़ेगी डांट अपनी सिस्टर से, और उसके बाद जब वो लेट घर पहुंचेगी तो घर वाले जैसे पहले ही सारे खड़े होंगे उसको घर से धक्का दे के बाहर निकालने के लिए। सिर्फ उसका जो फूफा है वो वहां पर करता है उसको सपोर्ट, लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं बस वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से ये लड़की घर से निकल जाए। भाई अगर तुम्हें इतना ही था कि इसको घर से बाहर निकालना है तो पहले तुम उसकी सिस्टर को ये कहती ना कि हाँ ठीक है अपनी बहन को भेज दो हम उसको रख लेंगे, किस लिए बुलवाया था जब आप इसको आराम से शेल्टर नहीं दे सकते थे। खैर होगा ये कि भैया वो यहाँ पर काफ़ी एक्सप्लेनेशंस देगी कि ये बनी रीज़न वो बनी, लेकिन उसकी फूफो और बाकी सब लोग देख के कहेंगे कि तुम दफ़ा हो जाओ जिसके साथ आई हो, ये तुम्हारा यार है ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह के घटिया कलमात देकर उसको धक्के देकर जब घर से बाहर निकालेंगे तो डेफिनेटली पहले तो नगीन बहुत ज़्यादा परेशान होगी। वो ये कहेगी हारून से कि आपकी वजह से ऐसा हुआ, अगर आप मुझे ज़िद ना करते घर ड्रॉप करने के लिए तो आज ये नौबत ना होती, अब मैं कहाँ पर जाऊँगी, अब मैं किसके पास रहूँगी, मेरा तो इस शहर में कोई नहीं ना इस दुनिया में। तो भैया ये बात सोच के मुझे ऐसा लगता है कि एक दफ़ा फिर से
हारून इस लड़की को घर अपने लाने की कोशिश करेगा और हारून की माँ के कैसे हैं विचार यहाँ पर आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि वो भी नहीं लाइक करती इस लड़की को, वो भी ये चाहती है कि नहीं इसको हमने अपने घर में नहीं घुसाना, कहीं ये मेरे बच्चे के ऊपर कब्जा ना कर ले। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि माएँ ऐसा क्यों सोचती हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर कोई लड़की आ गई आपके घर में और वो बाहर से आई है तो वो 100% गलत ही होगी, यहाँ पर उसका कैरेक्टर भी गलत है, यहाँ पर वो हर तरह की बुरी सोहबत से निकल के आई है। नहीं, बहुत सारी लड़कियों की मजबूरियां होती हैं, ये ड्रामा आप लोगों के लिए परफेक्ट एग्जांपल है। खैर हारून की मां नगीन को बिल्कुल भी नहीं भाएगी, यहां पर अपने बेटे को बार बार सताएगी कि निकालो इसको घर से बाहर, और मुझे ऐसा लगता है कि हारून आगे से नगीन के लिए स्टैंड लेने वाला है, क्योंकि हारून की मां जब बहुत ज्यादा ये कहेगी कि तुम्हारा क्या रिलेशन है इसके साथ जिसकी वजह से तुम इसको घर में रखा हुआ है, तो वो हो सकता है कि रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करे, यहां पर अपनी मां को और सिस्टर को ये कहे कि हाँ ठीक है मैं कर लेता हूं इसके साथ निकाह, फिर तो आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा ना कि अगर मैं इसकी हेल्प करूं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कोई इस तरह की इमोशनल स्टेटमेंट हो सकती है, लेकिन जो भी है, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज आपको इस ड्रामे में देखने को मिलेगी, जो मुझे लगता है कि भैया ड्रामे में ऐसा आगे आपको दिखाया जा सकता है, वो ये कि हारून नगीन के साथ शादी कर लेगा। अब ये बात मैं इतने दावे से इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि आपको इस ड्रामे की ओएसटी में एक ऐसा शॉट दिखाया गया जहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो एक ऐसा बेडरूम, और उस बेडरूम में खास तौर पे पिक्चर लगी हुई है नगीन की और हारून की। दैट मीन्स कि एक तो बेडरूम है ऊपर से पिक्चर, तो दैट मीन्स कि आगे जाके इनका तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैचअप होने वाला है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, पाकिस्तान में कोई ऐसा कल्चर तो है नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अपनी पिक्चर अपने कमरे में लगा के यहाँ पर लिविंग करना शुरू हो जाए। हाँ रियलिटी ग्राउंड में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन ड्रामों में एटलीस्ट नहीं दिखाया जा सकता, जिसकी वजह से आप 100% ये कह सकते हो कि आगे जाके इनकी हो जाएगी शादी। अब ये भी हो सकता है कि हारून अपनी फैमिली से लड़के यहाँ पर माँ और सिस्टर को छोड़ के इसको अलग कहीं रखे, या ये भी हो सकता है कि उनको कन्विंस कर ले। लेकिन भैया किस्सा मुख्तसर ये कि हारून की आगे से नगीन के साथ शादी हो जाएगी, लेकिन नगीन के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनेगी अब वो जरा गौर से सुन लें, क्योंकि वो काफी ज्यादा इस ड्रामे का मेन करक्स है। होगा ये कि सुल्तान को नगीन की यादें बहुत ही ज्यादा तड़पाएंगी, यहां पर बेचैन कर देंगी इतना कि भैया हर वक्त उसको सोच रहा है, और सबसे बढ़ के नगीन को ढूंढने की जब ये कोशिश करेगा तो नरमीन को ये बात पता चल जाएगी, जो कि पहले ही बहुत ही बुरे तरीके से सुल्तान के साथ पेश आ रही है, यहां पर उसके साथ कभी किसी बात पर लड़ती है, तो भैया सोचो जरा जब उसको पता चलेगा कि अभी भी इसके माइंड में वो लड़की घूम रही है, तो इनकी फाइट्स ज्यादा होंगी, जिसके नतीजे में मुझे ऐसा लगता है कि सुल्तान नरमीन को तलाक दे देगा। अब सुल्तान बड़े बुरे तरीके से डिस्टर्ब हुआ, यहां पर उसे लगता था कि नगीन को छोड़ के नरमीन से शादी करके ग्रेजुअली वो उसको भुला पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वो दोबारा से नगीन का पीछा करेगा और नगीन को ये कहेगा कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूं या मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं अब, और मैं इस दफा बहुत ही सीरियस हूं, तो उसको पता चलेगा आगे से कि नगीन ने तो अब दूसरी शादी कर ली है। मतलब दूसरी क्या, पहली हुई, पहली शादी तो उसकी बहुत ही बुरे तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी थी, तो उसको पता चल जाएगा कि नगीन ने शादी कर ली है, वो भी हारून के साथ। तो अब वो उसको बार बार धमकाएगा, यहाँ पर ये कहेगा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, अगर तुम मुझे नहीं मिलोगी तो मैं तुम्हारे हस्बैंड को नुकसान पहुँचा सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है उसको जान से मारने की धमकी भी दे, क्योंकि सुल्तान को बहुत ही जज्बाती दिखाया गया है और अपने जज्बात में आके वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, और नगीन को इस बात का बहुत अच्छे से आइडिया कि पहले वो चूँकि मुझे भी अगवा कर चुका है तो कहीं वो मेरे हस्बैंड को तकलीफ देने की कोशिश ना करे, जिसकी वजह से हो सकता है कि आगे से आपको ये दिखाया जाए कि नगीन सुल्तान से मिलने के लिए एग्री हो जाए, और मिलने के लिए वो एग्री इसलिए होगी कि हाँ ठीक है तुमने जो भी बात करनी है कर लेना फेस टू फेस, और ये उसको जिस जगह पर भी बुलाएगा वहां पर जो होने वाला तमाशा वो ड्रामे का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि सुल्तान शायद नगीन को अपने घर बुलाए या बुलाए किसी भी ऐसी पार्टी में जहां पर आगे से उसका शौहर भी आ जाए, उसके शौहर को भी ये बात कम्युनिकेट कर दी जाए कि तुम्हारी बेगम तो वहाँ पर गई हुई है अपने एक्स लवर से मिलने, और हारून जो है वो पहले बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था इस वजह से कि उसकी माँ ये कहती थी कि ये लड़की ख़राब है, लेकिन फिर भी उसने अपनी माँ की नहीं सुनी, किसी की भी नहीं सुनी, यहाँ पर अपने प्यार को देखते हुए कर ली नगीन से शादी। लेकिन दोस्तों शादी के बाद भी नगीन रहती है चूँकि काफ़ी डिस्टर्ब, और हारून इसके ख्याल को चेंज करने की कोशिश करता है, वो ये सोचता है कि आखिर इसके पास में
इतना भी ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ये नहीं निकल पा रही। नगीन उसको एक्सप्लेन करेगी सब कुछ, लेकिन हारून भी ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा कि ये कभी दोबारा उस शख्स से मिलने के लिए जाए, और नगीन को ऐसा करना पड़ेगा, वो भी इस वजह से क्योंकि सुल्तान ने दे रखी थी धमकी। अब जब हारून नगीन को सुल्तान के साथ देखेगा तो भैया यहाँ पर हो सकता है कि हारून का बहुत ही हार्ड रिएक्शन हो, शायद वो इसको तलाक तो ना दे लेकिन एक किस्म की इससे जुदाई कर ले, जिसकी वजह से नगीन बहुत ही बुरे तरीके से टूट जाएगी कि सुल्तान ने उसको कहीं का नहीं छोड़ा, यहाँ पर अपनी जिद की वजह से वो कभी मुझे अपने साथ अटैच करने की कोशिश करता है और कभी मुझे तोड़ने की, यहाँ पर मेरा जैसे उसके बगैर कोई गुजारा नहीं और मैं सारी ज़िंदगी अब उसकी गुलामी करके गुजारूंगी, तो वो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। नगीन आगे जाके हारून को काफ़ी समझाने की कोशिश करेगी कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ड्रामे का ये वो पार्ट होगा जो कि बिल्कुल कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा सभी लोगों के लिए कि अब नगीन क्या करेगी और कौन इन दोनों में से ऐसा शख्स होगा जो कि नगीन का देगा साथ यहाँ पर इसको अपनाने में और अपनी ज़िंदगी में लाने में होगा कामयाब। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुल्तान एंड पे वही करेगा जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब वो अपनी पूरी एफर्ट कर लेगा ना, जब उसे पता चलेगा कि नगीन मेरी किसी भी बात पे नहीं एग्री हो रही, अब उसके दिल से मैं कम्प्लीटली निकल चुका हूँ, लेकिन उसका गुजारा भी नहीं है नगीन के बगैर, वो ना शादी करके किसी दूसरी लड़की के साथ रह सकता है ना ही उसको मिलता है तन्हाई में सुकून, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि ख़ुदकुशी करने से पहले सुल्तान क्या करेगा, एक लेटर लिखेगा नगीन के हस्बैंड को और वो ये कहेगा, बदकिस्मत इंसान हो जो नगीन को अपना ना बना सका, लेकिन तुम उतने खुशकिस्मत ज़रूर हो कि तुम्हारी बीवी एक बहुत ही अच्छे किरदार की मालिक है, मैं सिर्फ तुम्हें ये कहूँगा कि उस रात भी हम जो मिले मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर सिर्फ उसको तुम्हारे आगे डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा था और मैंने उससे अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बुरा बनाने की और उसको दुनिया के आगे बदनाम करने की कोशिश की, जिसकी वजह से मैं खुद तो बर्बाद हुआ साथ में उसको भी बर्बाद करने की मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन अब मैं ये ज़िंदगी डिज़र्व नहीं करता, मैं जा रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से, लेकिन तुम्हें इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारी बीवी नगीन बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेक्टर की मालिक है, तो तुम हमेशा उसका ख्याल रखना। मुझे ऐसा लगता है कि ड्रामे का एंड अगेन कुछ वैसा ही होगा जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन दरमियान में स्टोरी किस तरह की बन सकती है, आपको क्या सर्कमस्टांसेस दिखाए जा सकते हैं, मैंने आपको आज के इस वीडियो में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आपको क्या लगता है कि ड्रामे की स्टोरी आगे से किस तरफ जाएगी, जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों आज से रिव्यूज मैंने स्टार्ट कर दिए, ग्रेजुअली हम नए ड्रामास को आगे से ऐड करते चले जाएंगे, और जो स्केड्यूल का एक प्रॉब्लम आ रहा है बहुत ज़्यादा, आप लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे हो मुझे कि रिव्यूज़ नहीं आ रहे, एक तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो भी सिचुएशन चल रही है बाहर की उस वजह से भी मैं डिस्टर्ब था, और दूसरे नंबर पर ड्रामे भी कोई इतने अपीलिंग नहीं आ रहे थे, लेकिन अब काफ़ी अच्छे ड्रामे आगे से देखने को मुझे मिल रहे हैं और मुझे लगता है कि 4-5 ड्रामों के रिव्यूज आपको देखने को मिलेंगे। अभी फिलहाल कौन सा नया ड्रामा है जिसके ऊपर मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल रहा होगा, जल्दी से क्लिक करके मुझे वहाँ पर फॉलो कर लें और अपडेटेड रहें कि भैया आगे से कौन से वो ड्रामे होंगे जिन पर हम रिव्यूज़ करेंगे। तो आज के लिए बस इतने, अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट मिस हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, और ये सारे काम करने तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस।